यूज़ुबिल्लाह शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 का मैथ करेंगे साइंस ग्रुप का। और इसमें हमने लास्ट टाइम जो है एक्सरसाइज नंबर 2.7 सॉल्व की थी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 स्टार्ट करेंगे। एक्स नंबर 2.8 जो है असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि इसमें हम इसको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी। तो आपने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है और उसमें हम अपना जो है तो क्वेश्चन का आंसर जो है इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम वो इसे सॉल्व करेंगे। इसका देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 184। मतलब जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट और वो नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव हैं। अब कंसेक्यूटिव से मुराद ये है कि एक के बाद जो है दूसरा नंबर उसी ऑर्डर में आ रहा है जैसे कि हम मतलब काउंटिंग पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद 3 आ सकता है या 3 के बाद 4 आ सकता है। तो इस तरह के दो नंबर और उनका जो सा प्रोडक्ट है वो है 182। फाइंड द नंबर्स, और वो नंबर आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप इसका मतलब फर्स्ट नंबर को सपोज करेंगे। अब यहाँ पे लिखें लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपके पास अगर 3 है, इसके बाद 4 कैसे आएगा? आप 3 में जब 1 ऐड करते हैं तो फिर 4 आता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक नंबर x है उसका अगला कंसेक्यूटिव नंबर जो है ना सेकंड नंबर जो है वो x में 1 को प्लस करने से आएगा, मतलब x प्लस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर x प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि उसने गिवन कंडीशन क्या दी थी। यहाँ पर उसने बोला था कि टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो अगर फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर x प्लस 1 है तो इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल था 182 के। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x को मल्टीप्लाई करें अगर हम x प्लस 1 से तो उसका आंसर आना चाहिए 182। क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि दो जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट 182 एक बार है। तो फर्स्ट नंबर हमारा x था और सेकंड नंबर हमारा x प्लस 1 था, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है 182 आना चाहिए था। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर, जिसको मल्टीप्लाई करें x और 182 का आप दूसरी साइड पर 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने देखना है क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। उसके रूल वही है कि पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, इनको मल्टीप्लाई करके -182 आएगा। और यहाँ से आप अब इसको ब्रेक करेंगे, 2 से कर सकते हैं, 2 9 सर और 2 1 सर। उसके बाद ये हम 7 पे करके देख सकते हैं कि 7 1 7 बाकी 2 कैरी और यहाँ 7 3 सर। अब देखिए हमने 1 लेके आना था यहाँ पे, जबकि हमारे पास ये जो नंबर्स बनते हैं ये बनेगा 14 और -13 करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ सकता है। और 14 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -13 से तो वो -182 ही आएगा। मतलब यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम इस टर्म को ब्रेक करने के लिए यही दो नंबर यूज़ करेंगे, पहले 14 और फिर साथ आगे -13। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x -13x -182 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से -13 कॉमन, जो कि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया इसके, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0।
इसके बाद इन टू टर्म्स में से यहाँ से x प्लस 14 कॉमन है, बाकी x माइनस 13 इजिकल टू जीरो। नेक्स्ट x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा एक आंसर जो x का आएगा माइनस 14 है और सेकेंड आंसर जो है वो 13 है। यहाँ पे टू आंसर्स आए, लेकिन अब आपको इसमें से कैसे पता लगेगा कि इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है, उसके लिए आप अगेन जो है ना वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, ये वर्ड यूज हुआ है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था नेगेटिव वाला, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा ये ट्रू है। इसमें हमने फर्स्ट नंबर को सपोज किया था x के इक्वल, इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर x इक्वल था और x आया 13, मतलब हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 13 है और सेकंड नंबर जो है वो था हमारा x प्लस 1, तो x की जगह पे हमारा 13 था और 1 वैसे ही और ये आ गया 14, मतलब जो जो दो नंबर से रिक्वायर्ड वो हमारा एक 13 था और एक था 14। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब स्क्वायर का जो सम है थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का वो 77 है, फाइंड द नंबर्स, और इन नंबर्स को आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर थ्री नंबर हो तो इसमें आसानी के लिए हम एक नंबर को, जिस तरह हमने पहले एक्सपोज किया था, एक को हम कम भी कर सकते हैं और एक को ज़्यादा भी कर सकते हैं उसे, क्योंकि जब अगर हम माइनस वाला नंबर लेंगे तो उससे हमारी जो सिंप्लीफिकेशन में आसानी जाएगी। तो पहले हम करते हैं इसके नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर x माइनस 1, सेकेंड नंबर जो था हम सपोज कर सकते हैं x, और थर्ड नंबर जो है x प्लस 1। तो ये हमने थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर सपोज कर लिए, लेकिन उसके बाद ये था सम ऑफ स्क्वेयर्स, मतलब इसके स्क्वेयर्स का जो सम है, तो इसका अगर हम स्क्वेयर लें तो ये बनेगा x माइनस 1 स्क्वेयर, x का स्क्वेयर लेंगे और यहाँ से x प्लस 1 का भी स्क्वेयर ले सकते हैं, तो उसके बाद जो उसने कंडीशन में बोला है वो आप सारा मतलब डेटा लिख लें पहले एक बार, सम ऑफ स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 77, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर था x माइनस 1, फिर x और x प्लस 1, ये थ्री कंसेक्यूटिव नंबर हो गए और उसने बोला कि इनके स्क्वेयर का जो सम है वो 77 के इक्वल है। तो हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए इसकी इसकी इक्वेशन जो है बनाएंगे, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और यहाँ पे हमारे पास गिवन कंडीशन थी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, मतलब इनके स्क्वायर का सम जो है 77 के इक्वल है। तो पहला नंबर आएगा इसका स्क्वायर, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का स्क्वायर आएगा, सम उसका यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 77। अब इसको हम ओपन करने के फॉर्मूला इसका, तो यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह पे x होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 a और b। उसके बाद आगे जो है एक्स स्क्वायर था तो उसको आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो था टर्म वो थी
मतलब एक्स प्लस वन का स्केयर, ये हमारा होता है ए प्लस बी होल स्केयर की, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, इसको भी ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए और बी इज इक्वल टू 77। अब यहाँ से आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, तो एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्केयर ये वाला एक्स, उसके बाद फिर ये वाला एक्स स्केयर, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू एक्स इक्वल टू 77। इसके बाद देखें आप लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक्स स्केयर वाली टर्म्स देखें, ये तीन टर्म है, तो ये इन तीनों के साथ प्लस है तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट जो जो टर्म्स हैं वो हैं कांस्टेंट टर्म्स, ये 1 और 1 इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास माइनस टू एक्स है और यहाँ पर प्लस टू एक्स है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि साइन यहाँ पर अपोजिट है, इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी आएगा यहाँ पे 77। इसके बाद हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अगर तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है 77 और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6 और 1 3 5 ज़ार, तो यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो आया हमारे पास 25, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम इसका अंडर रूट ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब फिर से हमारे पास दो आंसर हैं, एक x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे उसने बोला था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77। तो इसका मतलब है कि इस साइन को हम इग्नोर करेंगे और हमारे पास फर्स्ट नंबर जो था वो था x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या थी 5 और माइनस 1 करेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 4। सेकंड नंबर जो था वो हमारा इक्वल था x के, उसको हम कह सकते हैं 5। और थर्ड नंबर वो इक्वल है x प्लस 1 के, तो x की वैल्यू 5 थी, उसमें हम अगर हम 1 ऐड करें तो 6। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4, 5 और 6 ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर है जिनके स्क्वायर का सम जो है वो 77 के इक्वल होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैं कह रहा है कि दसम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स से मुराद के 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स ग्रेटर अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यहाँ पे सम से मुराद ऐड करना है, मतलब हमें ना किसको करना है ऐड 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसके बाद स्क्वायर लेना है और उसका आंसर आएगा 204। यहाँ पे चार बातों का आपने ख्याल रखना है, पहले ये कि 5 टाइम्स का नंबर, मतलब नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसका स्केयर लें, बाद में उसका सम करें तो आंसर जो है 204 आता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इसको समझने में कोई जो है दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो पहले देखें, पहले आप सबसे पहले जो इसका ना नंबर है ना वो सपोज कर लें, करेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद उसने बोला था 5 टाइम्स अ नंबर, तो इसका मतलब है कि 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल टू 5x। उसके बाद ये था कि स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो अगर स्क्वायर नहीं नंबर का तो वो क्या आएगा,
वो होगा एक्स के, मतलब ये शुरू में हमारा जो था नंबर एक्स था, फाइव टाइम्स नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर इज एक्स स्क्वायर, और उसके बाद कहता है कि इसका अगर सम करें तो आंसर क्या आता है, 204। इसका मतलब है कि हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इधर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे उसने बोला है कि फाइव टाइम्स का नंबर और स्क्वायर ऑफ नंबर का सम करें तो आंसर 204 आता है। तो फाइव टाइम्स का नंबर जो है वो 5x है और उसका स्क्वायर लें तो आंसर आ रहा है 204। तो हमारे पास ये आगे जो क्वाड्रेटिक मीन्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो नंबर यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 204 के साथ, तो फिर इसकी देखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस 204। तो 2 से करेंगे 2 वन सा 2 0, वैसे ही 2 आ जाएगा इधर, 2 फाइव सा 10 1, यहाँ पे आ गया 4 और 51। इनको अगर हम ऐड करें तो फिर भी हमारे पास 5 नहीं आता, इसलिए मज़ीद आगे जो है इसको करेंगे। तो 3 से करते हैं 3 वन ज़ार 3 और बाकी जो 2 3 सेवन ज़ार 21। अब इसको देखें ये क्या बनता है हमारे पास, ये आ रहा है 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 और माइनस 17 तो माइनस 5, कि हम इसके रेंजमेंट चेंज कर सकते देख सकते हैं, मतलब माइनस 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और माइनस 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप अगर प्लस 17 से तो आंसर आएगा माइनस 204, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि ऐड करने से जो है यहाँ पर आ गई जो सी मिडिल टर्म है, और मल्टीप्लाई करने से वो टर्म आई जो कि एक उस चीज़ से मल्टीप्लाई करने से आती है, मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से आती है। तो हम यही दो नंबर यूज़ करेंगे, मतलब माइनस 12 और प्लस 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखें कि आप यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में क्या चीज़ का मन है, x और बाकी बचेगा x प्लस 17, और जहाँ से आपके पास 12 कॉमन है तो आप माइनस 12 कॉमन लेंगे तो बाकी आएगा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 17 कॉमन और इधर से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, उसको हम कहते हैं कि x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जैसे आ गई माइनस 17 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंडीशन नहीं थी कोई भी, क्योंकि समा 5 टाइम्स का नंबर ऑफ अ स्क्वायर इज 204। इसमें उसने ये नहीं था बोला कि वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारे ये जो है ना दोनों आंसर ही ठीक हैं। तो हम लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर इज आइदर 12 और माइनस 17 जी। तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम पर स्टेटमेंट पे गौर करेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, मतलब कोई नंबर है जिसमें से हमने 5 लेस किया है उसके 3 टाइम्स है, मतलब कोई एक नंबर है जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और बाद में उसमें से 5 माइनस किया हुआ है। एंड मतलब फर्स्ट कंडीशन ये थी कि 5 को हमने मतलब माइनस किया 3 टाइम अ सर्टेन नंबर से, एंड 1 लेस 4 टाइम द नंबर इज 7, मतलब 1 को हमने लेस किया 4 टाइम्स नंबर, मतलब 4 को मल्टीप्लाई किया हमने उस नंबर से और उसमें से 1 को माइनस किया, फाइंड द नंबर, वो नंबर हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम वो नंबर करते हैं
लेट एक्स तो लिखेंगे लेट द नंबर इज एक्स। उसके बाद पहले ना इन जो दो कंडीशन हैं इनको बारी बारी लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये थी थ्री टाइम में से फाइव लेस करना, मतलब थ्री टाइम्स थ्री एक्स माइनस फाइव। और सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये थी कि यहाँ से हमने करना है, मतलब वन करना है लेस फोर टाइम्स द नंबर, मतलब उस नंबर में से जिसको हमने फोर से मल्टीप्लाई किया उसमें से वन को हमने कर देना है लेस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर टाइम्स में से लेस किया वन, तो उसके बाद इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है वो दे सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो इस सेवन, और वो नंबर हम फाइंड करेंगे फिर। तो आप देखिए टू गिवन कंडीशंस, तो जो हमें कंडीशंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये दो नंबर थे, एक 3x माइनस फाइव और एक था 4x माइनस वन इक्वल टू, उनका प्रोडक्ट था सेवन। अब ये हमारे पास जो है आगे क्वीन, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 12x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, फिर साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा, मतलब माइनस वन और 3x तो मिलके बनेगा 3x। उसके बाद यहाँ से मतलब माइनस फाइव और 4x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर करें माइनस फाइव माइनस वन को तो ये बनेगा 5 इज इक्वल टू सेवन। उसके बाद यहाँ पे आएगा 12x के, यहाँ पर माइनस, अब देखें माइनस थ्री और माइनस 20 ये बनेगा माइनस 23x, और 5 को आप इधर ही रहने दें और ये माइनस सेवन हो जाएगा, सेवन इधर आकर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 12x स्क्वायर माइनस 23x और माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हम करेंगे इसको यहाँ से पहले मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 24। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ से माइनस 24 को आपने इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास जो है सेंट्रल टर्म आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल टर्म थी माइनस 23, तो यहाँ पे आप टू स्टार्ट करते हैं, टू वन ज़ार टू, टू ज़ार फोर, फिर टू सिक्स आर, इनको देखें आप ऐड करके मतलब 23 नहीं आता, जो कि यहाँ पे फोर बनता है और सिक्स फोर और सिक्स टेन होता है। फिर आगे चलें टू थ्री ज़ार, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एट और थ्री अलेवन, फिर भी नहीं आया, थ्री वन ज़ार थ्री, यहाँ तक भी हमारा 24 नहीं आया। लेकिन अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एट थ्री ज़ार 24, और 24 में से अगर वन निकालें तो हमारे पास आता है तो 23। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि हमें चाहिए यहाँ पर माइनस 23। अब माइनस 23 असल में हमारे पास आएगा अगर हम यहाँ पे जो सी टर्म जो है यहाँ पर ग्रेटर अमाउंट में उसके साथ माइनस लिखें। फॉर एग्जाम्पल माइनस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 23। यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस 24 को 1 के साथ तो यहाँ पर हमारी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब ऐड करने से सेंट्रल टर्म और इनको मल्टीप्लाई करने से वो टर्म आई जो कि एक्स केयर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आ रही थी माइनस 24। तो ये दो नंबर हम यूज़ करेंगे इस टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो पहले लिखते हैं इसको, जब 12x स्क्वायर
माइनस 24x और साथ 1 था, 1x से मुराद के x लिखेंगे, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम नेक्स्ट फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे जो कि 12 कॉमन है, बाकी यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, यहाँ से 12x कॉमन है, बाकी जब x बचा और साथ माइनस 2, और यहाँ से आएगा हमारे पास प्लस 1 कॉमन और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास x माइनस 2 कॉमन और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक आंसर है, और सेकेंड आंसर जो था 12x इज इक्वल टू माइनस 1, चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए इसे 12 यहाँ पर और हम मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 1 ओवर 12, ये हमारे पास इसका सेकेंड आंसर है। यहाँ पे हम अब ज़रा क्वेश्चन पे गौर करते हैं, यहाँ पर कह रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड द 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 7। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन थी हमारे पास नंबर के लिए वो ये नहीं थी कि क्या वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, या वो फ्रैक्शन के अंदर भी जा सकता है, इस वजह से यही दो नंबर हमारे वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आइदर x इज इक्वल टू 2 या फिर वो हो सकता है माइनस 1 ओवर 12। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। मतलब जो यहाँ पे डिफरेंस का वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हुआ है, मतलब इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर और उसका जो है रेसिप्रोकल, मतलब अगर एक नंबर में से उसके रेसिप्रोकल को माइनस करें तो हमारे पास आएगा जो है आंसर जो आएगा वो आएगा 15/4। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो इसलिए हम पहले सपोज कर लेते हैं नंबर जिसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, और अगर नंबर एक्स होगा तो उसका रेसिप्रोकल फिर क्या होगा, एंड इट्स रेसिप्रोकल वो होगा 1/x, मतलब जब अगर 3/2 हो तो उसका रेसिप्रोकल 2/3 होता है, मतलब जो सिर्फ टर्म डोमिनेटर में होती है वो न्यूमिनेटर बन जाती है, और जो न्यूमिनेटर वाली होती है वो डोमिनेटर में आ जाती है। तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल आ गया 1/x। उसके बाद देखें कि इसका डिफरेंस कितना दिया गया था, यहाँ उसने बोला था कि इसका डिफरेंस है 15/4, मतलब एक नंबर है x, एक उसका रेसिप्रोकल है 1/x, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास आएगा 15/4 इस कंडीशन के मुताबिक। तो अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो गिवन कंडीशन में ये था कि जो डिफरेंस है x का और 1/x का वो हमारे पास था 15/4। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन इसकी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस मौजूद हैं, तो फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ से इसका एलसीएम जो बनता है वो है 4x, यहाँ पे डोमिनेटर के अंदर 4 है और साथ इसके x मौजूद है, तो आप इसका 4x एलसीएम लेंगे। एलसीएम में
उसे सारी पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एक्स को इसे मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर एक्स के साथ, फिर हम 15 ओवर 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 साथ और यहाँ से 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 15x। अब नेक्स्ट जो है हमने सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना है, उसके लिए हम 15x को उधर ले जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, उसके लिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 लेकिन साथ माइनस मौजूद है तो माइनस 16, और 16 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि आपके पास माइनस 15 आ जाए। इनमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, देखिए 16 और 15 में 1 का डिफरेंस, तो हम लिख सकते हैं 16 वन ज़ार 16, जबकि यहाँ पे आपको माइनस का साइन चाहिए तो जो टर्म ग्रेटर है उसके हाथ माइनस, माइनस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 15। अब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करके देखें क्या आता है, माइनस 16 टू माइनस 16, ठीक है, तो ये हमारे पेयर यूज़ होंगे साथ इसके, इस नंबर को जो ब्रेक करने के लिए हम दो नंबर्स का पेयर यूज़ करेंगे, वो एक माइनस 16 और एक प्लस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, फोर एक्स कॉमन, बाकी एक्स बचेगा और माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन टू टर्म में से देखें कि एक्स माइनस 4 कॉमन और यहाँ से 4x प्लस 1, अब दोनों को बारी बारी हम 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से 4x इज इक्वल टू माइनस 1, इसको नीचे आके डिवाइड करें, x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4, तो यहाँ तो वो नंबर 4 हो सकता है, यहाँ वो माइनस 1 ओवर 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 नंबर इज आइदर 4 और माइनस 1 ओवर 4, तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। यहाँ पे कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर असल में वो नंबर हैं जो कि फ्रैक्शंस में नहीं आते, मतलब आप कह सकते हैं अगर 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, इस तरह नहीं होता कि 1 के बाद आ जाए 1 ओवर 2 या 3 ओवर 2, ऐसे कोई नंबर्स नहीं होंगे, मतलब 1 2 3 4 5
ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, तो लेकिन उसके डिजिट में 2 है, ठीक। इसमें फॉर एग्जांपल एक डिजिट है 96, इसमें एक डिजिट है 9 और एक डिजिट है 6। जब हम टू डिजिट नंबर लिखते हैं तो उसके बारे में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, और ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं टेंथ प्लेस। अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें इन दोनों नंबर्स को, तो हमें करना पड़ेगा 90 प्लस 6। ये हमने यहाँ पे यही काम किया कि जो उसका मतलब टेंथ प्लेस वाला नंबर है उसको अलग कर लिया, और ये नंबर जो था यूनिट प्लेस इनको आप ऐड करें तो 96 ही आएगा। और आप इसको आप ऐसे अलग करेंगे ना तो ये अलग नहीं हो सकता, इनको आप करेंगे तो 15 आएगा, जो कि बात गलत हो जाएगी। मतलब अगर हम इसके नंबर अलग करना चाहते हैं तो हमें उसके यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस को अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस 6 है और टेंथ प्लेस जो है वो 9 है, मतलब वो नंबर असल में 90 है। फिर 90 में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो फिर ही वो 96 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये रूल आपने माइंड में रखते हुए उसको सॉल्व करना है, ठीक बात। अब नेक्स्ट जो है ना, कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। पहले तो हमें डिजिट बनाना पड़ेगा कि वो डिजिट क्या होगा। हम कहते हैं कि लेट द डिजिट एक्स वाई, अब अगर वो डिजिट एक्स वाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसी टर्म यूनिट प्लेस के ऊपर है वो एक्स की, वो वाई की है, और जो कि टेंथ प्लेस के ऊपर है वो एक्स की है। तो अगर हम सिंपल कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। अगर हम सिंपल डिजिट को देखेंगे तो उसका स्क्वायर लें तो वो 65 आएगा, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। और नंबर को अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐड करने के लिए हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे, मतलब उसके डिजिट्स को ऐड करने के लिए। यहाँ पे हमें साथ उसके 10 प्लेस और यूनिट प्लेस की सेपरेशन चाहिए। तो अब हम करेंगे कि कैसे, उससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस बात का मतलब क्या है। पहले था यहाँ पे सिंपल था कि टू डिजिट जो है उनका स्केयर लेंगे, तो इसमें हम कहते हैं लेट द फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो 65 है, तो दोनों डिजिट के स्क्वायर का सम जो है 65 आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो हम ड्राइव करेंगे, इसके अलावा आप कह सकते हैं कंसीडर द एक्स एट द टेंथ प्लेस एंड द वाई इन द यूनिट प्लेस। यहाँ पे करेंगे कि कंसीडर एक्स इन द टेंथ प्लेस, ये तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक्स जो है वो टेंथ प्लेस के ऊपर है, और जो वाई है ना उसको हम ना यूनिट प्लेस के ऊपर करेंगे, एंड वाई इज ऑन यूनिट प्लेस। फिर इसने आपको बताया था कि जो टर्म 10th प्लेस के ऊपर होती है उसके साथ हमें एक जीरो लगाना पड़ता है, जिसमें यहाँ पे 96 में 9 था तो हमने जीरो लगाया था, तो उसको ऐड करेंगे यूनिट वाइड नंबर से तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आता है। उसी तरह हम करेंगे यहाँ पर 10x, जो कि x जो था 10th प्लेस के ऊपर था और y जो है यूनिट प्लेस के ऊपर है, तो y जो है एज ए सिंपल ऐसे ही आएगा। और साथ फिर इसके उसने बोला था एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का सम करें तो उससे 9 टाइम्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ना डिजिट का सम किया और उससे नंबर जो है वो 9 टाइम्स है, मतलब वो नंबर असल में ये असल में नंबर है और ये सम ऑफ डिजिट्स का 9 टाइम, मतलब सम ऑफ डिजिट्स अगर आप डिजिट्स को ऐड करें तो वो नंबर का 9 टाइम्स आएगा।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर आ गया। तो इसके लिए पहले करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 10x प्लस वाई, फिर ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9x प्लस 9y। अब यहाँ से x वाली टर्म्स को हम एक साइड पे लेके आएंगे, तो ये दो टर्म्स हैं x वाली, इनको अगर हम एक साइड पे ले आए तो ये बनेगा यहाँ पे 10x और माइनस 9x, और y वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे 9y और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस वाई। अभी हमने सिर्फ साइड चेंज किए हैं कि वेरिएबल्स जो हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा किया, मतलब x वाले वेरिएबल एक साइड पे और y वाले जो से वेरिएबल हैं वो दूसरी साइड पे चले गए हमारे। तो हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8y। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब यहाँ से जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है x की, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, जो कि असल में साइमल्टेनियस इक्वेशन है। कहते हैं कि इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 थी क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है तो x की जगह पे आएगा हमारे पास 8y, यहाँ पे 8y आ गया स्क्वायर साथ, फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। यहाँ से हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 साथ y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने से हमारे पास आएगा 65 y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे ले जाएं, चूँकि वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे 65, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर आएगा वो हमारा इक्वल आ गया 1 के। लेकिन अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, चूँकि इस वजह से हम इसका लेंगे स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे मामला ये है कि दो वैल्यूज हैं हमारे पास कि y इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब जो उसने बोला था क्वेश्चन के अंदर कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, ये जो वर्ड पॉजिटिव है इसको हमने कंसिडर करना है कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसके साथ माइनस नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास टू आंसर्स आए हैं माइनस वाला, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो जो कि जो सा नंबर था एज नंबर इज पॉजिटिव, सो वाई इज इक्वल टू 1। अभी ये हमारे पास वाई का आंसर है। अब हम एक्स का भी फाइंड कर सकते हैं। एक्स का फाइंड करने के लिए जो सबसे सिंपल इक्वेशन है हमारे पास वो हम यूज़ करेंगे, ठीक, वो थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, एक्स इक्वल टू 8y। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 8y, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 1। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। 2 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 और y की जगह 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमने जो सा नंबर सपोज किया था ना वो था एक्स वाई, इसका मतलब है एक्स की जगह पे 8 आया और वाई की जगह पर हमारे पास आ गया 1। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर आपको ने बताया था 10x प्लस वाई। यहाँ पे जिस तरह बात की थी कि जो हमारा 10th प्लेस होता है, और यहाँ पर भी हमने सपोज किया है 10x प्लस वाई, इसलिए 10x
प्लस वाई, तो एक्स की जगह पर 8 और वाई की जगह पर 1, यहाँ पे आ जाएगा 80 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 81। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था 81। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। मतलब एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट का सम जो है वो 9 है, एंड द सम ऑफ देयर स्केयर, और उनके स्केयर का जो सम है वो इक्वल है 45 के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो पहली बात ये कि मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट असल में 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो 9th क्लास का 8th चैप्टर है, कि असल में कोऑर्डिनेट असल में ऑर्डर्ड पेयर होता है और ये लोकेशन होती है किसी पॉइंट की प्लेन के अंदर, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ये होता है कि उसके जो से डिजिट होते हैं उनमें पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। मतलब जब हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो इसका मतलब होगा कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, मतलब जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट था एक्स और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई, इन दोनों का सम जो है वो है 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम करते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज एक्स एंड वाई। तो उसके बाद उसने बोला था इसकी फर्स्ट कंडीशन के बारे में। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि इनका सम जो है ना वो इक्वल है 9 के। तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और सेकंड कंडीशन के अंदर उसने बोला था, वो इधर लिख लें आप बेशक साइड पे, इसको भी नंबर 1 कह लें। सेकंड कंडीशन ये थी, उसने बोला था सम ऑफ देयर स्केयर्स, कि उनके स्केयर्स का जो सम है ना वो इक्वल है 45 के। इसका मतलब है कि स्केयर का सम, मतलब वाई स्केयर एक्स स्केयर का सम करेंगे तो वो आएगा 45। इसको आप एक नंबर 2 कह सकते हैं। अभी इस तरह हमने 2.7 में किया था कि एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से हम लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको क्वाड्रेटिक के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें, x इक्वल 9 माइनस वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब जब हमने वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से निकालनी है, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे पुट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और x की वैल्यू थी x इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो इक्वेशन नंबर 2 की जगह पे लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसकी जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस वाई। तो x की वैल्यू थी यहाँ पे 9 माइनस वाई, इसे हम लिखेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे आप इसका स्केयर ओपन करेंगे, ए माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसको ओपन करने के लिए। तो
ए की जगह पर यहाँ पर मौजूद है 9 और बी की जगह पर वाई, तो पहले ए स्केयर मतलब 9 स्केयर, फिर प्लस बी स्केयर मतलब वाई स्केयर माइनस 2, फिर ए ए की जगह पर 9 और फिर बी बी की जगह पर वाई, मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab और प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 81 प्लस वाई स्केयर, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18y प्लस वाई स्केयर, या आप साथ 45 को भी दे लिया माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हमने इसकी ब्रैकेट्स को भी ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट जो है इसको यूज़ करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके लिए आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए स्क्वायर वाले टर्म। यहाँ पर ये वेरिएबल y है जिसके दो स्क्वायर वाले टर्म में इन दोनों को ऐड करेंगे, वाई स्केयर और वाई स्केयर को ऐड करें तो 2y स्केयर। उसके बाद आप देखें कि सिंपल वेरिएबल y वाली तो माइनस 18y, फिर अगर आप 81 में से माइनस कर दें 45 को तो ये बचेगा 36। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। तो पहले हम कॉमन ही लेते हैं, चूँकि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल यही है कि अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो उसको आप पहले कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 कॉमन है तो बाकी बचेगा वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 6 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये 2 नीचे आके मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इक्वेशन। तो हम नेक्स्ट ईयर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के रूल्स फिर से हम वही यूज़ करेंगे कि पहले वाई स्केयर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा, 18 को आपने ब्रेक करना है कि माइनस 9 है तो 2 9 से देखें 2 में अगर हम 9 ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 नहीं आ सकता। फिर आगे चलेंगे 3 3 इधर, अब ये बन गया 6 और ये 3 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, लेकिन साथ हम ये देखेंगे हम यहाँ पर माइनस 9 रिक्वायर्ड है तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं -6 -3 इज इक्वल टू -9। उनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या 18 आया था, -6 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो ये आता है 18। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि ऐड करने से सेंट्रल टर्म आ रही है, और सेकंड कंडीशन के मल्टीप्लाई करने से वही टर्म आ रही है जो वाई स्केयर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से आई थी, जो कि थी 18। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे आगे, तो वाई स्केयर माइनस -6y -3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें कि यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है, जो कि यहाँ पर था y, इसलिए हम y कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा y माइनस 6, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y माइनस 6 कॉमन और y माइनस 3 कॉमन इज इक्वल टू 0, इसको हम ले सकते हैं y-6 = 0 एंड y-3 = 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। अभी जो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं इनको यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू जो थी वो 1 6 थी और एक y की वैल्यू जो 3 है, इनको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो कि थी हमारे पास x = 9 - y। तो इसकी वैल्यू को हम जो है ना बारी बारी पुट करेंगे, एक बार 3 को और एक बार 6 को।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 9 माइनस y। इसमें आप x की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए y की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो 9 माइनस 6 जो है वो 3 के इक्वल, और फिर y इज इक्वल टू 3 हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू 9 माइनस y और y की जगह पे यहाँ पे आएगा 3, तो 9 माइनस 3 6 के इक्वल। अब देखें इसको क्वाड्रेटिक पेयर की फॉर्म में लिखना, आपने जब आपका आंसर पहले आया था 3, जब आपने y की वैल्यू रखी थी 6, क्वाड्रेटिक पेयर है तो पहले हमेशा x की वैल्यू आएगी और बाद में हमेशा y की आएगी, तो यहाँ पर x का आंसर 6 और y का 3 था, तो इसका मतलब है कि हमारे जो उससे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पेयर हैं वो इन दोनों में से कोई हो सकता है। हम कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड पॉइंट सो इज आइदर 3 6 और 6 3। अगेन नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि फाइंड द टू इंटीजर हूज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। मतलब ऐसे दो इंटीजर बताने हैं आपने, मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनके सम उनको आप ऐड करें तो 9 आए और उनके स्क्वायर का जो सा डिफरेंस है, मतलब उनके स्क्वायर को माइनस करें तो फिर भी 9 ही है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि वो इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं। वैसे लेट द इंटीजर्स जब एक्स या वाई हो सकते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी पहले, अब यहाँ पर मतलब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग की कहता था कि उनका सम जो है वो 9 के इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, उसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं आप, और सेकंड कंडीशन थी कि द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, मतलब उनके स्क्वेयर्स का जो सा डिफरेंस है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। तो अब हम जिस तरह पहले करते हैं कि यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये मतलब लीनियर है, यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है, तो इस वजह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ से एक्स की वैल्यू 9 माइनस वाई, इसको आप 3 कह सकते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो एक्स की वैल्यू है 9 माइनस वाई स्क्वायर आएगा साथ, फिर साथ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आप देखें a की जगह पर 9 है और b की जगह पर y है, तो पहले a स्क्वायर लिखेंगे मतलब 9 स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2a 9 और b की जगह पर y साथ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 9 का स्क्वायर आएगा 81, फिर आगे वाई स्क्वायर, फिर माइनस 18y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर बाकी बचा 81 माइनस 18y इज इक्वल टू 9।
जो भी हम वाई की वैल्यू फाइंड करें, इससे ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स है एक साइड पे रहेंगी और कांस्टेंट को हम जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 9 यहीं पे और ये माइनस 81 हो जाएगा। तो माइनस 18y इज इक्वल टू 9 माइनस 81 माइनस 72। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 18 यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 18 वन ज़ार 18 और 18 फोर ज़ार, तो y इज इक्वल टू 4। एक आंसर मतलब 4 आ गया। अब इसके लिए सेकंड के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे y की वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन 3 जो थी x इज इक्वल टू 9 माइनस y, तो x इक्वल टू 9 माइनस 4 x की वैल्यू होगी 5। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सा रिक्वायर्ड इंटीजर से वो एक 5 था और एक 4 था, कहते हैं सो द रिक्वायर्ड इंटीजर फोर एंड फाइव। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि फाइंड द टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड द हुज स्क्वायर इज डिफर बाय 72। मतलब ऐसे दो इंटीजर्स कि जिनका डिफरेंस 4 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 72 है। तो ये सब हमने मतलब लास्ट क्वेश्चन में इंटीजर को सपोज किया था एक्स एंड वाई, इसमें भी हम वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए उसको हमने ज़हन में रखना कि करेंगे लेट द इंटीजर्स x एंड y, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि उन दोनों का डिफरेंस जो है 4 के इक्वल है, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस y मतलब उसका डिफरेंस जो है वो इक्वल है 4 के, इसको भी नंबर 1 कह सकते हैं। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि उन दोनों के स्क्वेयर का जो सा डिफरेंस है वो 72 है, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 72, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन आ गई, वैसे ही एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर की वैल्यू निकाल के हम क्वाड्रेटिक के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से हम करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे सेकंड के अंदर, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर x की जगह पे आएगा 4 प्लस वाई और ये 72 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर वाई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हमने 4 लिख दिया और जहाँ पर बी है वहाँ पर वाई लिखा। और ये वाई स्क्वायर और 72 सेम वैसे ही।
अब यहाँ से हम इसकी पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, उसके बाद जो इसमें में हम प्लस माइनस करेंगे जो टर्म्स हो रही हैं। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, फिर आगे उधर वाई स्क्वायर, फिर प्लस 8y, फिर माइनस वाई स्क्वायर और 72। वैसे ही एक आंसर हो जाएगा, आगे 16 प्लस 8y इक्वल 72। अब 16 को आप दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो 8y इक्वल 72 माइनस 16, 72 में से आप 16 निकालें तो बाकी बचेगा 56। तो y इज इक्वल टू 56 ओवर 8, 8 वन्स आर 8 और 8 सेवन्स आर, तो y की वैल्यू आगे 7। मतलब हमारे पास एक इंटीजर की वैल्यू है 7 और हमें सेकेंड इंटीजर फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे जो थी x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वो थी x इक्वल टू 4 प्लस वाई और 4 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 11। तो हम कहते हैं कि जो उनसे रिक्वायर्ड इंटीजर है, सो द रिक्वायर्ड इंटीजर आर सेवन एंड अलेवन। अब आगे ये 10th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 775 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ से हमने उसकी फाइंड करनी है डायमेंशंस, ये वर्ड मतलब डायमेंशन से मतलब है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, लेंथ बाय ब्रेथ, कि वो कितनी लेंथ है उसकी और कितनी उसकी ब्रेथ है। ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर, ये वर्ड पैरामीटर जो है ना, ये हम बोलते हैं आउटर बाउंड्री को। और एरिया से मुराद के वो कितना, मतलब रीजन जो है ना वो कवर करता है, ये सारा उसका एरिया होता है। और एरिया दिया गया हमें 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये सारा जो सा हमारे पास डेटा है इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसकी ना डिमेंशन हमने फाइंड करनी है, तो उसी को हम सपोज करेंगे। अब कहते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड उसकी जो ब्रेथ है ऑफ रेक्टेंगल, इसको आप जो है ना विड्थ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मतलब एक्स उसकी मतलब लेंथ है और उसकी ब्रेथ जो है ना वो इक्वल है वाई के। और हम रेक्टेंगल शेप देखें वो ऐसी हो सकती है या फिर ऐसे, मतलब इसके अंदर एंगल 90 के होते हैं और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो इसके जो से पैरीमीटर का फार्मूला है ना, इसका पैरीमीटर अगर ये लेंथ एक्स है ये वाई है, तो इसका पैरीमीटर होता है 2x प्लस वाई, मतलब 2x और 2y। और एरिया जो इक्वल होता है वो इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई होगा। तो ये दो फार्मूले यूज़ करेंगे साथ इसके। तो पहले इसका ना हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे उसकी हमने पहले जो लेंथ सपोज की थी एक्स थी और उसकी जो सी ब्रेथ थी वो हमने वाई सपोज की। उसके बाद जो यहाँ पर पैरामीटर दिया गया है कि पैरामीटर 80 सेंटीमीटर के इक्वल है और
एरिया जो है वो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले लिखें कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई और वो असल में 80 सेंटीमीटर है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और एरिया आपको बताया कि एक्स वाई के इक्वल होगा और वो इक्वल है 375 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं हम। तो यहाँ से हमने जो कि इसकी फाइंड करनी थी डिमेंशंस, डिमेंशंस में एक्स और वाई थी दोनों, तो इसलिए पहले एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए हम यही फार्मूलाज यूज करेंगे इसके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 जो है यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 ओवर 2, 2 टू 4 ज़ार 8 और 0 वैसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें और उसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, x इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई। और कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 थी हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स की जगह पर रखेंगे यहाँ पर 40 माइनस वाई टू वाई 375 के इक्वल। हम इस वाई को अपन अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 40 वाई और माइनस वाई स्क्वायर, और 375 को भी साइड पे लें माइनस 375 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमने अब इसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले आएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 40 वाई, फिर माइनस 375 इक्वल टू 0। और एक रूल आपको पहले बताया था कि आपने यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ जो है ना अगर माइनस आए तो माइनस कॉमन है, नहीं इसके साथ साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये माइनस जो है मल्टीप्लाई और यहाँ पर 0 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो हमारे पास आ गया 375। इसको ब्रेक करना है कि इसे हमारे पास 40 है, यहाँ पे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3, फिर 3 2 6, 2 बच गया यहाँ पर, 1 बच गया, 3 3 5 आएगा 15। देखिए में अगर हम 3 में अगर प्लस माइनस करें 125 तो 40 नहीं आता, इसलिए जीत आगे चलेंगे इसे 5 से करके देखते हैं, 5 2 10 और 5 5 ये बन गया 15 और 25 ये आ गया 40। लेकिन हमें जाएंगे यहाँ पर माइनस 40, इसलिए माइनस 15 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 40। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इन दो टर्म्स को ऐड करने से सेंट्रल वैल्यू आ रही है, और आगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, और अगर हम 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 75 ही आएगा, मतलब यहाँ पे हमारी जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो अब इन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हुए इसको ब्रेक करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई माइनस 25 वाई प्लस 375 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो यहाँ पे वाई कॉमन है, तो वाई कॉमन लेनी है, बाकी बचेगा वाई माइनस 15, इससे माइनस 25 कॉमन, वाई माइनस 15। इसके बाद यहाँ से y माइनस 15 का मन आएगा और y माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लिमिट फैक्टर आ गया, इनको हम अब बारी बारी ज़रूर एक पर रखेंगे। यहाँ पर y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 15, यहाँ से y की वैल्यू 25। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे जो कि थी हमारे पास एक्स इक्वल टू 40 माइनस वाई। बारी बारी इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है। अब कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास एक्स इक्वल टू 40 माइनस वाई। 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, इसकी वैल्यू आएगी 25। और फिर यहाँ से कहते हैं पुट वाई इज इक्वल टू 25, एक्स 40 माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू 40 माइनस 25, तो x इक्वल टू 15। मतलब जब ने यहाँ पर जब x की वैल्यू जो है 25 आई थी, जब हमने y की वैल्यू रखी थी 15, तो पहला मतलब पेयर बन सकता है इसका, यहाँ पर रेक्टेंगल की जो सी लेंथ है वो मतलब 25 बाय 15, या फिर मतलब पहले एक्स आएगा 15 बाय 25, मतलब दोनों कंडीशन में मतलब पॉसिबल है। तो ये हमारी जो है 2.8 जो है कम्प्लीट हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इसकी सीनियस एक्सरसाइज जो करेंगे उसके एमसीक्यूज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।